तो गाइज़ मैमथ स्प्रिंग देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं दूसरी जगह के लिए। तो देखते हैं गाइज़ अभी हम कौन सी नई जगह देखते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। और गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और गाइज़ जैसे हम आगे जा रहे थे हमने देखा कि कई सारे लोग अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप लेके खड़े हैं। तो हमने सोचा हम भी देख लेते हैं कि क्यों ये लोग खड़े हैं और क्या ये लोग देख रहे हैं। तो देखिए गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ क्या देख रहे हैं। सामने पे देखिए गाइज़ अगर आपको देख सकते हो, मतलब मैंने बहुत जूम कर दिया, बस जूम करने के बाद भी इतना ही दिख पा रहा है। तो सामने पे एक वुल्फ हंट कर रहा है और वो अपना शिकार खा रहा है, और साथ में बहुत सारे कौवे भी उसके शिकार का आनंद उठा रहे हैं। तो गाइज़ यही हम लोगों ने इन्जॉय किया ये दृश्य। और अभी हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। तो देखते हैं गाइस कि आज हम क्या क्या कवर कर पाएंगे। तो गाइस चलते चलते हमें ये शानदार व्यू देखने को मिला। आप सामने पे देख सकते हैं कि सारी की सारी माउंटेन्स स्नो कवर्ड हैं क्योंकि बर्फ़ तो यहाँ पड़ी रही है। और आप देख सकते हैं बहुत सारी लेक्स हैं जो कि सारी फ्रीज हो रखी हैं। बाकी गाइस मौसम आप देख सकते हैं कि पूरा ख़राब है। तो गाइस चलते चलते हमें ये लेक दिख गई सामने पे। ये लेक है गाइस, यस, इस लेक का नाम है फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग आइलैंड लेक। गाइज़ आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरी की पूरी फ्रीज़ हो रखी है, पूरी फ्रोज़न है। तो गाइज़ अगर आप ऐसे ही सामने से गुजरेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई लेक थी कभी, बट क्योंकि यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है इसलिए पता लग गया हमें कि एक लेक है। तो चलिए गाइज़ आगे चलते हैं, होप कि हमें बाइसन्स दिख जाएँ क्योंकि येलोस्टोन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो बाइसन्स ही है अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए। तो हम लोग देखना चाहते हैं बाइसन्स को। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग रुके हैं टार जंक्शन में, बट यहाँ पे हमें कोई टावर तो दिख नहीं रहा है। पर सामने आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है और यहाँ पे सूरज अपना फ़ोटो शूट करवा रहा है। तो गाइज़ यहाँ से आगे का रास्ता था जो कि क्लोज है, तो हम आगे तो नहीं जा पाएंगे। हमने जो येलोस्टोन आने का प्लान बनाया था उसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से हो चुकी थी, सब कुछ फिक्स हो चुका था, बट ये नवंबर में बर्फ़ पड़ गए हैं यहाँ पे बहुत खतरनाक। अगर आधे से ज़्यादा रोड्स तो बंद हैं, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हम देख भी नहीं पा रहे, जैसे कि ओल्ड फेथ वाली रोड बंद है। तो गाइज़ ओल्ड फेथफुल वाली रोड तो बंद है, बट सामने पे हमें बाइसन्स देखने को मिल गए। और देखिए गाइज़ कितने बड़े हैं ये, और इन्हें देख कर कितना अच्छा लग रहा है। पर शांत रहिएगा, इनके पास नहीं जाना क्योंकि अगर आप इनके पास जाओगे तो आपको बहुत तगड़ा वाला फ़ाइन लग सकता है। और फ़ाइन तो जब लगेगा तब, बट अगर इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने आपको पटक दिया तो फिर तो क्या ही कहें, क्या हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे बाइसन्स को देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने इतने बड़े, हिंदी में बोले तो भैंसे, कभी नहीं देखे इतने बड़े बड़े। बाइसन्स इज वाइल्ड बेफलो ओनली गाइज, तो मतलब इतनी बड़ी भैंसे मैंने कभी नहीं देखी। और ये देखिए गाइज़ एक बाइसन अकेला पता नहीं किधर जा रहा है। तो गाइज़ अभी हम जा ही रहे थे आगे, बहुत सारे रूट्स यहाँ पे बंद हैं, जैसे ओल्ड फेथफुल वाला रूट और प्रिज्मेटिक वाला, सारे के सारे यहाँ पे रूट्स बंद हैं। मे बी हम लोग जब वापस आएंगे दूसरी तरफ से तो शायद हमें रूट्स खुले मिल जाएं, बट ये वाला रूट जहाँ से हमने एंटर किया नॉर्थ वाले से, ये वाला तो पूरा बंद है। और वाह गाइज़ क्या नज़ारा है, बाइसन्स को कितने पास से देख पा रहे हैं हम। तो गाइज़ आप भी ये व्यू इन्जॉय कीजिए, मैं शांत हो जाती हूँ।
तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। यहाँ पे इतना प्यारा नज़ारा है कि गाड़ी रोकनी ही पड़ी हमें। कितना प्यारा लग रहा है गाइस, ये नदी, पेड़ पौधे, बर्फ, वाह, और कितनी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है गाइस, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये सूरज मुझे मारने की कोशिश कर रहा है बर्फ़ से। तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हमें जाना है रैपिड सिटी की तरफ, जो कि पड़ती है साउथ डकोटा में। तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी हमें काफ़ी सफ़र करना है। आई थिंक टोटल 7 घंटे की ड्राइव होगी येलोस्टोन से साउथ डकोटा तक, तो वो भी हमें अभी करना है। तो ये दिन काफ़ी लंबा होने वाला है हमारे लिए। और सामने पे आप देख सकते हैं गाइस कितनी बर्फ़ पड़ी है, वाओ। तो गाइस बर्फ़ में मस्ती तो बहुत कर ली है, बट आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है और अभी हमें निकलना भी है। हमारा सफ़र अभी काफ़ी बाकी है और बर्फ़ पड़ने की वजह से ये रोड क्लोज भी हो सकती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे रुके और आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा स्नोफॉल होने लगा है, ये देखिए। बहुत पतली पतली बर्फ है बट स्नोफॉल हो रहा है। कार है, फ्यूल के लिए रुके हैं। तो गाइज़ येलोस्टोन का हमारा सफ़र तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और इसी के साथ गाइज़ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और गाइज़ आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज़, और अब आपसे मिलते हैं साउथ डकोटा में। तो गाइज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है साउथ डकोटा की। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।